बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी में हम पढ़ रहे थे पॉलिसी इफेक्ट अंडर, ठीक है, पॉलिसी इफेक्ट पढ़ रहे थे। और अब हमारा टॉपिक है ये, ठीक है, टॉपिक है हमारा पॉलिसी इफेक्ट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, पॉलिसी इफेक्ट अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और हमारा वो जो है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है। ठीक है, सो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर ले ले एम नॉट, ठीक है, और अब मैं सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर रहा हूं, सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और अब एलएम जो हो गया वो एलएम वन हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर देखें, इधर ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आर वन डिक्रीज हो जाएगा। तो जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका चूंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में है, ठीक है, तो कैपिटल आउटफ्लो होगा। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा, कैपिटल आउटफ्लो होगा। और दूसरा, चूंकि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपिटल आउटफ्लो है, ठीक है, सो यहाँ पर आपका कैपिटल आउटफ्लो, ठीक है, तो यहाँ पर कैपिटल आउटफ्लो होगा। तो जब कैपिटल आउटफ्लो होगा ना, तो आपका जो एक्सचेंज रेट है यहाँ पर देखें, इधर डेफिसिट में हो, ठीक है, डेफिसिट में हो और आपका कैपिटल आउटफ्लो होगा, तो आपका एक्सचेंज रेट जो है वो, अगर पहले पाई नॉट था, अगर देखें इधर यहाँ पर मैं पाई नॉट लिखूँ, आई एस के साथ मैं पाई नॉट लिखूँ, आई एस अ फंक्शन ऑफ पाई नॉट, तो यहाँ पर डेफिसिट होने की सूरत में और आपका कैपिटल अब फ्लो हो रहा है, तो आपका एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा, आपकी करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका एक्सचेंज रेट इंक्रीज कर जाएगा। एक्सचेंज रेट इंक्रीज करने का मतलब ये है कि आपका पैसा डिप्रिशिएट कर गया, आपकी वैल्यू, आपकी करेंसी डिप्रिशिएट कर गई। ठीक है, तो जब यहाँ पर एक्सचेंज रेट जब बढ़ जाएगा, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि आपकी करेंसी सस्ती हो गई, तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी और इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी। एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी और इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी, इंपोर्ट्स जो है वो डिक्रीज कर जाएंगी। ठीक है, इंपोर्ट्स क्या हो जाएंगी, वो डिक्रीज कर जाएंगी। तो इसका इफेक्ट ये निकल जाएगा कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आई एस कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, आई एस कर्व जो है ये शिफ्ट हो गया, आई एस कर्व चला गया जी आई एस पी पाई वन की तरफ। ठीक है, तो देखें यहाँ पर मैंने पहले इंक्रीज किया, मनी सप्लाई को इंक्रीज किया एम वन से एम नॉट से एम वन, तो जब एम नॉट से एम वन की तरफ चले गए, तो हम इस पॉइंट से यहाँ इस, ठीक है, यहाँ देखें इधर इस पॉइंट की तरफ आ गए। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आ गए, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट ये निकलेगा कि आपका एक्सचेंज रेट आपका क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, तो आप इस पॉइंट से फिर इस पॉइंट की तरफ आ जाएंगे, आपके आई एस कर्व शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखें इधर, यहाँ देख लें इधर, इनिशियली हम इनॉट पे हैं, इनिशियली हम इनॉट पे हैं। ठीक है, हमने सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया, जब सप्लाई ऑफ मनी को इंक्रीज कर दिया तो हम जी आ गए इस पॉइंट की तरफ, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर गया, तो देखो पहले आपकी आई एस जो है वो पाई नॉट का फंक्शन है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मनी जो करेंसी है वो डिप्रिशिएट कर जाएगी, और वो आप किसकी तरफ चले जाएंगे, आप यहाँ चले जाएंगे। ठीक है, आप आई एस कर ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, सो यहाँ पर ई नॉट की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ देखिए इधर, एन इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कॉज द एल एम
शेड्यूल टू शिफ्ट एलम नॉट टू एलम वन, एलम नॉट से एलम वन की तरफ चलेंगे, एलम नॉट से एलम वन की तरफ आ जाएंगे। द डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट फॉल बिलो द फॉरन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ट्रिगरिंग द मैसिव आउटफ्लो, ठीक है, कैपिटल आउटफ्लो हो गया। द कैपिटल आउटफ्लो कॉज द एक्सचेंज रेट टू राइज, एक्सचेंज रेट राइज हो जाएगा, शिफ्टिंग आई एस कर्व फ्रॉम आई एस पाई नॉट टू आई एस पाई वन, ठीक है। सो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, नेशनल इनकम इंक्रीज कर जाएगी। दिस मीन एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, अगर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होगा, इफ द एक्सचेंज रेट इज फ्लेक्सिबल, अगर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा तो फिर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी, इफेक्टिव होगी, आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है वो है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इन फिस्कल पॉलिसी होगी और वो होगा हमारा क्या, फिस्कल पॉलिसी है और फिस्कल पॉलिसी जो है वो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फिस्कल पॉलिसी एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यहाँ देखें अगर हम यहाँ पर इंक्रीज कर दें, एक मिनट इसको, यहाँ देखें इधर इनिशियल हम इक्विलिब्रियम पे हैं, ई नॉट पे, ई नॉट पे हम इक्विलिब्रियम हैं। दिस इज माय आईएस कर्व, दिस इज माय आईएस कर्व, ये मेरा आईएस कर्व है और ये मेरा एलएम कर्व हो गया, ठीक है। इनिशियल ये मेरे दो कर्व हैं, ठीक है। सो हम इक्विलिब्रियम पे हैं, ई नॉट पे इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ई नॉट पे अब हमने क्या कर दिया, मैंने इंक्रीज कर दिया फिस्कल पॉलिसी तो जी को इंक्रीज कर दिया। तो पहले मेरा फंक्शन है ये देखें आई एस, ये फंक्शन है पहला, आई एस इज अ फंक्शन ऑफ जी नॉट एंड पाई नॉट। यानी मेरे पास इनिशियल जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिस इज जी नॉट और मेरे पास जो एक्सचेंज रेट है दैट इज पाई नॉट। अब हमने क्या कर दिया यहाँ पर एक जी को इंक्रीज कर दिया, तो देखो देखो यहाँ सिर्फ जी में चेंज आ गया, जी क्या हो गया, जी वन हो गया, ठीक है। तो आपकी आप यहाँ से ई नॉट से जब ऊपर चले जाएंगे तो न्यू आई एस एन एल एम कर्व यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ देखें यहाँ पर चूंकि आपका सरप्लस है, मेरे पास क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सरप्लस है। जब ये सरप्लस है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है, बीओपी मेरे पास क्या है, इट इज इन सरप्लस, ओके, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में है। तो जब ये सरप्लस में है ना तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल यहाँ पर, और याद रखो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, ज्यादा है तो कैपिटल इनफ्लो होगी, क्या होगी, कैपिटल क्या होगी, इनफ्लो होगी, ठीक है, कैपिटल इनफ्लो होगी। अब जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, और कैपिटल इनफ्लो होगी तो दूसरी बात यह कि आपका ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ गया, तो जब कैपिटल इनफ्लो होगी तो आपकी जो एक्सचेंज रेट है ना, एक्सचेंज रेट, ठीक है, एक्सचेंज रेट वो क्या हो जाएगा पाई वन, और ये क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा हमारा करेंसी जो चूंकि सरप्लस है तो आपका एक्सचेंज रेट क्या हो गया डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, व्हाट विल एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा, ओके, एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगा, आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी। तो जब आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर गई, आपका एक्सचेंज रेट डिक्रीज कर गया, करेंसी अप्रिशिएट कर गई, तो आपके एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, एक्सपोर्ट आपके महंगे हो जाएंगे, तो एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएंगे और इम्पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है, इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे। तो जब इम्पोर्ट्स इंक्रीज करेंगे और एक्सपोर्ट, तो आपकी आई एस कर्व जो है वो डाउनवर्ड दोबारा शिफ्ट होगी। वजह क्या है, वजह क्या है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वजह उसकी ये होगी कि ये देखो इधर, ये आपके क्या हो जाएगा, ये देखिए इधर आपकी आई एस कर्व दोबारा नीचे आ गई। वजह क्या है, यहाँ पर आपका एक्सचेंज रेट देखो ये वही जी वन है, लेकिन आपका एक्सचेंज रेट क्या हो गया, वो पाई वन हो गया, आपकी आई एस कर्व दोबारा नीचे आ गई। वजह इस आई एस कर्व की दोबारा नीचे आने की क्या है, एक्सपोर्ट आपके कम हो गए क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर गया, ठीक है, एक्सचेंज आपकी करेंसी अप्रिशिएट कर गई, आपका एक्सचेंज रेट डिक्रीज कर गया, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई एस कर्व दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो जब आई एस कर दोबारा जाएगी तो दोबारा आप दोबारा ई नॉट पे इक्विलिब्रियम में आ गए। दिस मीन के अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, इज द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, तो फिस्कल पॉलिसी का कोई इफेक्ट नहीं है,
फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, वेयर एज मॉनेटरी पॉलिसी से पहले हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव थी, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी जो थी उसमें नेशनल इनकम में इंक्रीज हो गया था, ठीक है। सो फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव, इनफ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एंड याद रखो कौन सा है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी मॉडल है, ठीक है ना। और इसमें क्या आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गया, वो इफेक्टिव, और फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव आ गई, ठीक है। सो ये चीज आपकी हो गई, ठीक है। ये आप फ्रांड की बुक से इसको स्टडी कर लें, ठीक है। ये आपकी फ्रांड की बुक से है, इसको स्टडी कर लें, और ये चैप्टर नंबर 15, और ये इधर देख लें, ठीक है। सो फिलहाल ये चीज़ ख़त्म हो गई, ठीक है।